सो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल डायनामिक टेक्नो। गाइस आप विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तभी दोस्तों अपना सिस्टम को जब अपडेट करने के लिए जाते हैं विंडोज 7 को तभी दोस्तों एक ऐसा कुछ एरर आपको देखने के लिए मिलता है। यहां पे देखने के लिए मिलेगा स्क्रीन पर ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है विंडो कुड नॉट सर्च फॉर न्यू अपडेट और राइट और नीचे पर दोस्तों यहाँ पे एरर फाउंड कोड 80072 EFE विंडो अपडेट एनकाउंटर एन अननोन एरर देखने के लिए आपको मिल जाता है। और सबसे नीचे में आपको देखने के लिए मिलेगा मोस्ट रिसेंट चेक फॉर अपडेट नेवर है अपडेट वेर इंस्टॉल वो भी नेवर है। तभी दोस्तों आपका कंप्यूटर पर जो विंडो 7 को आप अपडेट नहीं कर पाते हैं आपको मेनी चैलेंजेस फेस करने के लिए पड़ता है। आपका एक साल हो गया दो साल हो गया आपको ऐसा कुछ देखने के लिए एरर मिलता है या फिर आपका हाल ही में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है तभी दोस्तों आपको कैसे ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है यानी कि आपका विंडो 7 को कैसे अपडेट करना है पूरी वीडियो में आपको डिटेल पर बताऊंगा। अपडेट नहीं करने की वजह से दोस्तों अपना कंप्यूटर में आपको तरह तरह का प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कैसे दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है लॉजिकली मैं जो भी मेथड बताऊंगा दोस्तों एक्चुअल में जो भी होना चाहिए वो मेथड आज की इस वीडियो पर मैं आपको डिटेल पर बताऊंगा। अगर इस वीडियो को फुल वॉच करते हैं तभी दोस्तों आपका जो कंप्यूटर में विंडोज 7 जो अपडेट होता है वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा मैं स्क्रीन पर आ चुका हूँ। पहले दोस्तों आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल मिलेगा। कंट्रोल पैनल पर आपको क्लिक करना है देन ऐसा कुछ आपको आइकन देखने के लिए मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आपको व्यू बाय पर क्लिक करके लार्ज आइकन आपको कर लेना है देन विंडो अपडेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे चलिए मैं चेक फॉर अपडेट पर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है इसमें क्लिक करने के बाद चेकिंग फॉर अपडेट लिखा हुआ आता है। यू कैन सी यहाँ पर एक ऐसा कुछ एरर देखने के लिए मिलेगा विंडो कुड नॉट सर्च फॉर न्यू अपडेट मिल जाता है। दोस्तों आपका एक साल हो गया दो साल हो गया आप जब भी यहाँ पे अपडेट करने के लिए जाते हैं तभी ऐसा कुछ ही प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलता है तभी आपको मेनी चैलेंजेस फेस करने के लिए पड़ जाता है। ठीक है जो भी मेथड बताऊंगा दोस्तों अगर इस वीडियो को फुल वॉच करते हैं केयरफुली जो भी मेथड होगा दोस्तों एज इट इज फॉलो करते हैं तभी जो आपका प्रॉब्लम होता है वो 100% गारंटी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा चेंज सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा इसमें क्लिक करके इंस्टॉल ऑटोमेटिकली रिकमेंड पर क्लिक करके इसमें आपको टिक लगा के आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको चलिए मैं एग्जिट कर लेता हूँ। इसको क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको चले आना है देखने के लिए मिलेगा स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है देन यहाँ पे आपको लिखना है दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा सर्विस। सर्विस लिखने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे सर्विस होता है वो ओपन हो जाएगा। सबसे नीचे स्क्रोल डाउन करना है। स्क्रोल डाउन करने के बाद विंडो का अपडेट का एक ऑप्शन मिलेगा आपको विंडो अपडेट ये रहा आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको राइट क्लिक करना है देन यहाँ पे प्रॉपर्टीज पर आपको चले आके दोस्तों यहाँ पे आपको ये मैनुअल होगा या फिर डिसेबल होगा इसको आपको ऑटोमेटिक कर लेना है। देखने के लिए मेरे ऑटोमेटिक करने के बाद अप्लाई पर क्लिक करके मैं ओके पर क्लिक कर लेता हूँ। यू कैन सी इसको जो चलिए मैं क्लोज कर लेता हूँ। उसको भी क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा अभी आपको दोस्तों यहाँ पे दिस पीसी या फिर माई कंप्यूटर पर चले आके आपको सी ड्राइव पर चले आना है जो भी अपना कंप्यूटर ओएस इंस्टॉल है सी ड्राइव पर बाय डिफॉल्ट होता है। तो चले आने के बाद दोस्तों सी ड्राइव पर आपको देखने के लिए मिलेगा विंडो का फाइल। विंडो फाइल पर क्लिक करना है देन इसको मैं चलिए इसको आइकॉन को भी चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको फाइंड करना है दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा चलिए आपको दिखा देता हूँ दोस्तों यहाँ पर देन दोस्तों यहाँ पे आपको फाइंड करना है सर्च डिस्ट्रीब्यूशन। यू कैन सी ये जहाँ फोल्डर इसमें आपको ओपन करके ये सारे को सिलेक्ट करने के बाद आपको डिलीट पर क्लिक करना है देन में कंटिन्यू पर क्लिक करके जो भी फोल्डर डिलीट नहीं होता है तो उसको आपको स्किप कर लेना है। स्किप करके आपको एग्जिट हो जाना है देन आके दोस्तों यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। तो चलिए मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सर्च बार पर टाइप करना है विंडोज 7 अपडेटर। यू कैन सी विंडोज 7 अपडेटर लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। पहले वो यहाँ पे वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा तो वो वेबसाइट को आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा वेबसाइट का। ठीक है तो साइट को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा अपडेट फॉर विंडो 7 और 64 बेस्ट सिस्टम आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको कैसे चेक करना है दोस्तों आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितना बीट है आर्किटेक्चर कह लो तो राइट क्लिक करना है कंप्यूटर पर देन यहाँ पे प्रॉपर्टीज पर आपको चले आना है। प्रॉपर्टीज पर चले आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा जो मेरा आर्किटेक्चर है 64 बिट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे दोस्तों आपका जो सिस्टम टाइप का आप चेक कर सकते हैं। ठीक है और जो मेरा विंडो है दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा वो भी एक्टिव है तो आपको ऐसे चेक कर लेना है। चेक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे चलिए मैं क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको साइट पर देखने के लिए मिलेगा एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे exe फाइल दोस्तों अपना कंप्यूटर पर डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। यू कैन सी डाउनलोड स्टार्ट होने के बाद दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। देन यहाँ पे सो इन फोल्डर पर क्लिक करता हूँ। सो इन फोल्डर पर क्लिक करके इसको मूव करके मैं म्यूजिक पर रख लेता हूँ। यू कैन सी इसको लार्ज आइकन कर लेता हूँ। देन आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें राइट क्लिक करके या फिर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा यस पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है तो यहाँ पे चलिए मैं यस पर क्लिक कर लेता हूँ। यस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अपना कंप्यूटर पर ये सेटअप होगा देखने के लिए मिलेगा ये इंस्टॉल होगा अपना कंप्यूटर पर तो आपको वेट करना है।
चलिए मैं वेट कर लेता हूँ। तो सक्सेसफुली जब अपना कंप्यूटर पर ये इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा, इंस्टॉलेशन कंप्लीट, देन दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर रिस्टार्ट करने के लिए बोलता है, तो आपको रिस्टार्ट कर लेना है। तो चलिए मैं अभी रिस्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो सिस्टम को रिबूट करने के बाद दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाता है यहाँ पे इंस्टॉल अपडेट का। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करके कंट्रोल पैनल पर चले आके विंडो अपडेट पर आपको क्लिक करना है। यू कैन सी गाइस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा जो इंटरफेस होता है दोस्तों यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यू कैन सी यहाँ पे 170 इंपोर्टेंट अपडेट मुझे भी मिल चुका है, ठीक है। अगर आपको अपडेट करना है तो आपको अपडेट से पहले और एक चीज आपको करना पड़ेगा दोस्तों, देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे 170 अपडेट मिल चुका है। तो अपडेट से करने से पहले दोस्तों यहाँ पे आपको चेंज सेटिंग पर क्लिक करके दोस्तों जितना भी आपका रियल टाइम होगा, अभी जितना भी आपका टाइम होगा दोस्तों, उसको टाइम को आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं 8 PM कर लिया हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे इंपोर्टेंट अपडेट पर आपको क्लिक करना है। इसमें मैं इसको सबको ऑन चेक करके यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कोई भी एक अपडेट अभी आपको दिखाने के लिए कर लेता हूँ दोस्तों। इसको चेक करने के बाद यहाँ पे ओके पर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। देन यहाँ पे इंस्टॉल अपडेट पर मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों, आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो और एक चेंज कर लेता हूँ, पहले ये वाला कर लेता हूँ, नहीं तो हाँ ये वाला कर लेता हूँ, आपको देखने के लिए मिलेगा। चेक लगा देता हूँ, चेक लगाने के बाद इसको मैं ओके कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो विंडोज 7 पूरी तरह से भी अपडेट हो चुका है, आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, आपका भी पूरी तरह से अपडेट हो जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑलराइट, सो गाइस अपन देख लिया कि कैसे अपना विंडोज 7 को अप टू डेट करना है, पूरी वीडियो में आपको डिटेल पर बता दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा है, और भी ऐसे असम देखने के लिए डायनेमिक टेक्नो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट असम वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। वीडियो पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।